हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी एमबीट्रिक्स में। मेरा नाम है मोहित गंगवार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा चल रही है, आगामी दिनों में आपके और सारे एग्जाम होने वाले हैं। ऐसे में जो करंट अफेयर का सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले 3 महीनों में जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई है आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने उन व्यक्तियों के नाम लिखे हुए हैं जिन्हें हाल ही में 2-3 महीनों में अभी नियुक्त किया गया है। यहाँ पर उनके पद का या विभाग का नाम लिखा हुआ है, तो एक एक करके हम इनको देख लेते हैं। एग्जाम में आपसे 100% एक नियुक्तियां या निधन, इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं, पहला जो महत्वपूर्ण नियुक्ति है वो है सुनीत शर्मा की। सुनीत शर्मा, इनको रेलवे बोर्ड का नया सीईओ बनाया गया है। पहले आपको पता होगा कि जो रेलवे बोर्ड के इससे पहले जो सीईओ थे वो कौन थे, विनोद कुमार यादव थे, लेकिन अब सुनीत शर्मा को बना दिया गया है। तो कैसे आप इसको एग्जाम में याद रखेंगे, तो बना लीजिए कि रेलवे ने बच्चों की बात सुन ली। तो सुन ली से आपको कुछ सुनीता या सुनीत वर्ड लिंक हो जाएगा, क्योंकि 4 विकल्प आपके पास रहते हैं। तो सुनीत शर्मा आपको याद हो जाएगा, रेलवे बोर्ड के नए सीईओ बनाए गए हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। सोमा मंडल, जिनको हाल ही में सेल का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक, सेल क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। 1973 में 2000 करोड़ रुपए पूंजी के साथ इसकी स्थापना की गई थी। तो ये इस्पात की एक कंपनी है। तो सोमा मंडल को इसका चेयरमैन बनाया गया है। तो ध्यान रखेंगे इसको कैसे एग्जाम में याद रखेंगे कि सोमा मंडल है। तो देखिए, सोमवार को मान लीजिए किसी भी सामान की सेल लगी हुई है, ऐसे आप बना लीजिए सोम, यहां पर सोमा में देखिए सोम आ रहा है, तो सोमवार मान लेते हैं, सोमवार को किसी की सेल लगी हुई है, कपड़े की सेल लगती है ना, तो उसे बना लेंगे सेल के चेयरमैन कौन है, सोमा मंडल। तो ये आपको याद हो गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि सेल की चेयरमैन किसी महिला को नियुक्त किया गया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सोमा मंडल को सेल का चेयरमैन बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, संजय कपूर। संजय कपूर को अखिल भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। कैसे आपको एग्जाम में याद रहेगा कि अखिल भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष संजय कपूर को बनाया गया है। तो संजय, देखिए महाभारत में संजय का नाम सुना है आपने, जो धृतराष्ट्र को कहानियां सुनाते थे, जो महाभारत में एक्चुअल में चल रहा है, क्योंकि धृतराष्ट्र क्या थे, देख नहीं पाते थे, तो उनको महाभारत की जितनी भी कहानियां थी कि महाभारत में क्या चल रहा है कौन बताता था, संजय। तो संजय के पास क्या था, दिमाग बहुत ज्यादा था। शतरंज के लिए भी बहुत सारा दिमाग चाहिए होता खेलने के लिए, तो शतरंज के मोहरे या संजय है ना, इससे आप लिंक कर लेंगे कि संजय जो है उनके पास बहुत दिमाग था, तो वो शतरंज से लिंक हो जाएगा। आपको ऑप्शन रहेगा ही, क्योंकि ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो संजय को शतरंज से आप लिंक कर पाएंगे। अगला देखिए, कुलदीप हांडू, इनको फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो कुलदीप हांडू फिट इंडिया मूवमेंट ब्रांड एम्बेसडर, कुलदीप यादव याद कर लीजिए, अपना इंडिया के जो स्पिनर हैं उनसे आप बना सकते हैं कुलदीप को, ये कुलदीप फिट है तो फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। अगला देखिए, अनिल सोनी, ये WHO फाउंडेशन के सीईओ बनाया गया है इनको। WHO फाउंडेशन, ये हाल ही में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी चल रही है, तो कोरोना महामारी के बीच में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 में ही एक फाउंडेशन बनाया है, WHO फाउंडेशन। इस फाउंडेशन के पहले सीईओ अनिल सोनी, जो कि भारतीय मूल के हैं, इनको बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए, आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में किसे WHO फाउंडेशन का नया सीईओ बनाया गया है। करेक्ट आंसर इज अनिल सोनी। ठीक, अगला प्रश्न देख ले। अगला जो महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है, देखिए संदीप कटारिया, इनको बाटा, जो कि एक जूता कंपनी है, शू कंपनी है, इसका ग्लोबल सीईओ बनाया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि बाटा कंपनी का कोई सीईओ, वो भी पूरे वैश्विक स्तर का किसी सीईओ किसी भारतीय को बनाया गया है। तो संदीप कटारिया नाम है, तो आपको ध्यान रखना है ये नाम, संदीप कटारिया, इनको बाटा का ग्लोबल सीईओ बनाया गया है। कैसे आपको एग्जाम में याद रखना है, तो देखिए यहां पर बाटा आ रहा है, आपको पता है बाटा एक जूता कंपनी है, शू कंपनी है, तो बाटा कंपनी को ये जो कटारिया है, बाटा के जूते काटते नहीं है, तो इस तरीके से आप कटारिया को बाटा से लिंक कर लेंगे। बाटा के जूते अच्छे होते हैं, काटते नहीं है, तो संदीप कटारिया नाम याद रखेंगे, बाटा का ग्लोबल सीईओ इनको बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला अपॉइंटमेंट राजीव चौधरी, इनको बीआरओ का महानिदेशक बनाया गया है। बीआरओ का मतलब है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो राजीव चौधरी को नियुक्त किया गया है। अगला देखिए पंकज मिथल, इनको जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं इसमें हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के सीजे का मतलब चीफ जस्टिस, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है किसको नियुक्त किया गया है, पंकज मिथल को। ठीक है, तो पंकज मिथल का नाम याद रखना है आपको क्योंकि अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो इसका जो नाम है इसमें जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो पंकज मिथल याद रखेंगे आप। इनको जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ग्रेग बार्कले के बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, ग्रेग बार्कले इनको आईसीसी का अध्यक्ष चुना गया है अभी हाल ही में। ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ग्रेग बार्कले कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के हैं, एनजेड लिख देता हूं, एनजेड का मतलब न्यूजीलैंड से है। और अगर आईसीसी के आपको जो सीईओ पूछा जाए तो ये भी मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था, मनु साहनी जो है आईसीसी के सीईओ हैं और आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है ये भी मैंने आपको बताया था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी है ना, क्रिकेट को नियंत्रण करने वाली संस्था, जैसे भारत में बीसीसीआई है, वैश्विक स्तर पर कौन सी है, आईसीसी। तो नाम आपको याद हो गया, आईसीसी के अध्यक्ष कौन किसको बनाया गया, ग्रेग बार्कले को, न्यूजीलैंड के हैं ग्रेग बार्कले और सीईओ कौन है आईसीसी के, तो मनु साहनी। तो इतने सारे प्रश्न हो गए आपके, ये 9 हो गए, आपको सिर्फ 19 अपॉइंटमेंट याद रखने हैं, बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि आप सिर्फ उतना ही पढ़िए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, बाकी नियुक्तियां तो 30 से ऊपर हुई हैं, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं जो आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है। तो यशवर्धन कुमार सिन्हा इन्हें मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त को क्या कहते हैं, सीआईसी, क्या कहते हैं, सीआईसी। सीआईसी का मतलब क्या हुआ, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मतलब मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा। अगला देखिए राजकिरण राय, राजकिरण राय को भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष चुना गया है। तो भारतीय बैंक संघ क्या है, तो इसको कहते हैं आईबीए, आईबीए, आईबीए का मतलब इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो राजकिरण राय को, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपके। प्रदीप कुमार जोशी इनको यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक, पहले अरविंद सक्सेना थे, अगर आपने पढ़ रखा हो तो, यूपीएससी के इससे पहले कौन अध्यक्ष था, अरविंद सक्सेना थे, अब प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, यूपीएससी तैयारी करने के लिए क्या चाहिए, जोश चाहिए, देखिए जोशी आ गया, तो इस तरीके से आप लिंक कर लेंगे, प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के नया अध्यक्ष चुने गए हैं। यूपीएससी या जो भी आपकी संघ लोक सेवा आयोग है, आर्टिकल 315 में इसका वर्णन है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और भाग कौन सा है, तो 14, केंद्र और राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में भाग 14 संविधान में वर्णित है और आर्टिकल कौन सा है, 315, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका मतलब क्या है, सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन बनाया गया है, राकेश अस्थाना, तो ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, आपको पता होना चाहिए, राकेश अस्थाना बीएसएफ के महानिदेशक। परेश रावल अपने बाबू भैया, तो बाबू भैया को चेयरमैन बनाया गया है एनएसडी, एनएसडी का मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, परेश रावल, तो ये बाबू भैया आपको याद रखना है, एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। अनिल धस्माना को एनटीआरओ का अध्यक्ष बनाया गया है। एनटीआरओ क्या है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि राष्ट्रीय तकनीकी रिसर्च संस्थान, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, अनिल धस्माना, ये नाम आपको पता होना चाहिए। रोहन जेटली, जो अपने अरुण जेटली थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया था, जो वित्त मंत्री थे भारत के, उनके सुपुत्र हैं ये रोहन जेटली, इनको डीडीसीए का अध्यक्ष चुना गया है। डीडीसीए क्या है, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, डीडीसीए का अध्यक्ष किसको चुना गया है, तो रोहन जेटली को। उदय शंकर, उदय शंकर को फिक्की का अध्यक्ष चुना गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए।
अभी हाल ही में आपका आरआरबी एनटीपीसी में ये प्रश्न पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया है कि फिक्की का अध्यक्ष किसको चुना गया है। तो अभी हाल ही में उदय शंकर को फिक्की का अध्यक्ष चुना गया है। इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और ये लास्ट जो अपॉइंटमेंट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिनेश कुमार खरा इनको एसबीआई का चेयरमैन चुना गया है। ठीक है, तो एसबीआई के इससे पहले कौन चेयरमैन था, तो रजनीश कुमार थे पहले, इससे पहले कौन था, रजनीश कुमार थे चेयरमैन, अब दिनेश कुमार खरा को एसबीआई का चेयरमैन चुना गया है। तो कैसे आप इसको एग्जाम में याद रखेंगे, तो एसबीआई के एटीएम पे जाते हैं तो खरे खरे नोट निकलते हैं, तो खरा से आप लिंक कर लेंगे कि एसबीआई के एटीएम में खरे खरे नोट निकलते हैं, तो दिनेश कुमार खरा को एसबीआई का चेयरमैन आप एग्जाम में लिंक करने में आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमने देखी 18-19 नियुक्तियां, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको 1 से 2 बार रिवाइज कीजिए, 101% आपको आगामी परीक्षाओं में से इन्हीं में से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, अगर पूछा जाता है आपसे अपॉइंटमेंट के संदर्भ में। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पुरस्कार और सम्मान के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।